दिल्ली के एलजी से इस्तीफा देने वाले नजीब जंग कुछ देर पहले प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे हैं। नजीब जंग का इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ है क्योंकि राष्ट्रपति दिल्ली से बाहर हैं। जब तक नए उपराज्यपाल का नाम तय होता है, नजीब जंग कामकाज देखते रहेंगे। और अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे हैं नजीब जंग, और चूंकि राष्ट्रपति अभी दिल्ली से बाहर है, उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हो पाया है। नए एलजी की नियुक्ति तक पद पर बने रहेंगे नजीब जंग। तो नजीब जंग ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया था, और अभी जो ताजा जानकारी मिल रही है, आपको बता दें कि वो पहुंचे हैं पीएमओ, प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे हैं नजीब जंग। उनका इस्तीफा हालांकि अभी तक मंजूर नहीं किया गया क्योंकि राष्ट्रपति अभी दिल्ली से बाहर हैं, और जब तक नए उपराज्यपाल दिल्ली के नहीं बन जाते हैं, उनके नाम का ऐलान नहीं हो जाता, तब तक इस पद पर बने रहेंगे नजीब जंग। तो नजीब जंग, जिनके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंच गई थी कि आखिर अधिकार किसके पास है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कि उपराज्यपाल के पास, लगातार सुर्खियों में रहे नजीब जंग। और राष्ट्रपति चूंकि अभी दिल्ली से बाहर हैं, तो उनका इस्तीफा भी मंजूर नहीं हुआ है। और अपने दर्शकों को बता दें कि आज सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नजीब जंग से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा कि नजीब जंग ने निजी कारणों की वजह से इस्तीफा दिया। तो नजीब जंग के इस्तीफे को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है, और ताजा जानकारी यह है कि नजीब जंग पहुंचे हैं अब से कुछ ही देर पहले पीएमओ। विकास भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं एबीपी न्यूज संवाददाता। विकास, क्यों पहुंचे हैं नजीब जंग यहां पर, और नए उपराज्यपाल के नाम के ऐलान को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, अभी सरकार की कोशिश है कि नजीब जंग को रोका जाए। पिछले 4 महीने पहले उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि वो उपराज्यपाल के पद से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन तब भी सरकार ने उनको लगातार इस पद पर बने रहने का आग्रह किया। कल जब उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की रात में मुलाकात हुई है, और उसके बाद अब नजीब जंग प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे हैं। किससे मुलाकात होगी ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि नजीब जंग को एक बार सरकार रोकने की कोशिश करेगी ताकि वो बचे हुए कार्यकाल के लिए उपराज्यपाल बने रहें।